वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज का वीडियो हम शुरू करते कुछ इस प्रकार से। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। एकदम से इनका वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, जिंदगी बदल गई। ओ भाई मारो मारो इसको मारो। बात करें मैच की तो सबसे बेस्ट लगा ईशान किशन और हार्दिक पांड्या की पार्टनरशिप। Might go for runs as well, that's okay. There's a third man there, there's a fielder underneath. No, one bounce into the fence. So good, the Pakistani bowlers. Oh, it's gone through, some bonus runs. Another one, gift from Shadab. Oh, interesting shot this, and just ran in too much. लेकिन एक और एक बेस्ट बात हुई जो ये थी। हार्दिक पांड्या बिग स्ट्राइक, ही लाइक्स बैटिंग ऑन दिस ग्राउंड, आई रिमेंबर हिम गेटिंग 100 हियर। भैया दिल खुश हो गया, सच बता रहा हूँ। थैंक्स टू श्रीलंका जिन्होंने ये सॉन्ग स्टेडियम के अंदर प्ले किया। एक मोटिवेशन आ जाती है, एक पावर अप हो जाता है प्लेयर, और उसके बाद तो सामने वाली टीम को ठोको। पर इस मैच में बारिश ने सारा मूड खराब कर दिया और पाकिस्तान का ये हाल हो गया। साले जब से तेरा धोबड़ा देखा। लेकिन बात करें पाकिस्तान के पहले मैच की तो नेपाल को तो भाई खतरनाक तरीके से तोड़ा। बाबर आजम की शानदार सेंचुरी और बॉलर्स तो माशाल्लाह, और उनका देख के नेपाल की ये हालत हो गई। और तेरे को बिना वजह पीटा उसने? कोई वजह नहीं थी भाव, उसने तो आपके माँ बाबूजी को भी 4-5 गालियां दी और मुझे भी 4-5 ठोक दी। उल्टा लगा के देता उन लोगों को। अरे उसी वक्त आपका ख्याल आ गया इसलिए हाथ रुक गया। और ऐसा परफॉर्मेंस देख के पाकिस्तानियों का ये हाल हो गया। अबे शमशान के बुझे हुए कोयले, कैप्टन का नाम बाबर आजम है, हारिस कब से कैप्टन बन गया? और इंडियंस पे हंस रहा है ये। और चैंपियंस इंडियंस, कम ऑन। अबे विराट कोहली का नाम सुना है? ये एक जन्म के हैं। आई लाइक बाबर आजम, नो डाउट इज अ क्लास बैट्समैन, बट वो जब ऐसा बोलते हैं तो आई थिंक आई कंग्रेचुलेशन टू इफ्तिखार इज 100। या मैग्निफिसेंट, क्या बोला तूने? कंग्रेचुलेशन टू तो मेरे को भी उनको कंग्रेचुलेशन बोलने का मन करता है। लेकिन पाकिस्तान के प्लेयर काफी डेवलप हो रहे हैं और उनकी इंग्लिश भी काफी ज्यादा डेवलप हो रही है, ये देखो। रमीज भाई थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है समटाइम, क्योंकि समटाइम नए बॉल पे खेलना पड़ता है, समटाइम जब आते हो बॉल ग्रिप कर रहा होता है, समटाइम एक्सीलरेट करना पड़ता है, डिफरेंट चीजें रिक्वायरमेंट है, मगर कोशिश करता हूँ कि जो टीम की रिक्वायर्ड उसको पूरा करने की कोशिश करता हूँ। समटाइम इंसान है, हम कम से नहीं। समटाइम इनका शीरशाह गुलाब जामुन देखिए करते हैं मोहब्बत इनसे, समटाइम ये पीछे आ गया पेट से। समटाइम इनका That's gone up in the air. Who is calling for it? Syed Ajmal, keeper, and they drop it. और sometime इनकी हालत हो भाई मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो। Sometime इनका अरे बस कर भाई और पागल कर दिया। मैच में तो कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ जब ईशान किशन का विकेट लेने के बाद हैरिस राउफ ने कुछ ऐसा रिएक्ट किया। Before another fielder gets out. एक गांड पे रैप्टा मारा ना, सड़क पे हकता फिरेगा। चलो एग्रेशन तो बनता है, मतलब ईशान किशन ने इन लोग की ऐसी मारी मतलब, लेकिन ये बर्ताव देख के स्टेडियम में बैठी हुई पब्लिक का फिर मारने का आएगा तू
लेकिन मैच देख के हमारे पाकिस्तानी भाइयों का ये रिएक्शन था। हार्दिक पांड्या तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, कोई और चले ना चले हार्दिक पांड्या ने पाकिस्तान के खिलाफ जरूर चलना होता है। शुक्र करो बारिश पेगी जी, इज्जत रख ली अल्लाह ने ताडी। हार्दिक पांड्या बुला हैगी एक बड़ी वड्डी, ओ बाबा जी ओ छक्के इंज पेलदा जिंज स्वाब दा काम है। जितना स्कोर हो गया था ये स्कोर नहीं चाहिए होना था। चार फास्ट बॉलर थे, सिराज, बुमराह और शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ठाकुर का वैसे ही गोडे से ऊपर बोल नहीं आता, आज तो बिल्कुल ही घसीटा होना था और डंडा जाना था। कि इरफान पठान है, उन्होंने दो ट्वीट की हैं, एक उन्होंने पाकिस्तान के हक में की, बल्कि दोनों हक में ही की हैं जो सच है। एक तो उन्होंने कहा जी शहनशाह अफरीदी ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, दूसरा ये है कि उन्होंने कहा कि आज जो बारिश है ना उसने पाकिस्तान को बचाया। तो भाई जान ये सच है, बारिश ने ही पाकिस्तान को बचाया है, वरना अगर आप कहते हैं कि बारिश ना होती और वो 267 चेज करता पाकिस्तान तो ऐसा कुछ भी नहीं था। आज पाकिस्तान में टीवी टूटने थे, दिल टूटने थे बड़ा। भाई मैं तो चाहता हूं कि भाई इंडिया और पाकिस्तान फाइनल में आए और एक तगड़ा मुकाबला देखने मिले, बिकॉज पाकिस्तान तो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका है। कांग्रेचुलेशंस टू देम। तो इसी के साथ हम वीडियो को खत्म करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन इंडिया को चेयर जरूर कीजिए। चक दे इंडिया और जय हिंद।